हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th, साइरस। साइरस आकाश का सबसे चमकदार तारा है। इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये पृथ्वी से सूर्य के बाद दूसरा नज़दीकी तारा है। फ्रेंड्स, हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए देंगे पर्याप्त समय। आप पहले क्वेश्चन का आंसर गैस करिएगा, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1st, सेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1st, किरीट। किरीट का दूसरा नाम है कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही डायमंड रिंग की घटना होती है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जबकि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है, जैसे कि ये सूर्य हो गया, बीच में चंद्रमा हो गया, और फिर ये पृथ्वी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2nd, पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2nd, 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1st, जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हों तब ब्लू मून की घटना घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, क्रीट या कोरोना। सूर्य की मध्य परत को प्रकाशमंडल कहते हैं, ऊपरी परत को वर्णमंडल कहते हैं, जबकि सबसे बाह्यतम परत को क्रीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, 100 किलोमीटर। पृथ्वी के ऊपर से 100 किलोमीटर नीचे तक स्थल मंडल मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर, यानी कि पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2nd, बेसाल्ट चट्टानों से। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, और महाद्वीपीय भूपटल का निर्माण
ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, मेंटल। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्वेस ने पृथ्वी को तीन भागों में डिवाइड किया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेंटल में पृथ्वी का सबसे अधिक द्रव्यमान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल में निम्न में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सिलिका और मैग्नीशियम की। पृथ्वी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट में दो तत्वों की प्रधानता होती है, सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम की। मेंटल में भी दो तत्वों की प्रधानता है यानी कि सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम की। और कोर में भी दो तत्वों की प्रधानता है, निफे यानी कि निकिल और फेरस की। पृथ्वी के केंद्र में निकिल एक चुंबकीय पदार्थ के रूप में मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 68%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% जबकि कुल आयतन का 83.5% मेंटल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह असंबद्धता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, लोहा और निकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए हुए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, अक्षांश। पृथ्वी के ग्लोब में अक्षांश पड़ी रेखाओं को कहते हैं जबकि खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। 0° अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं और 0° देशांतर रेखा को प्रधान मेरिडियन, प्रधान देशांतर या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है, जबकि 180° देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा तथा अंटार्कटिक रेखा ये लघु वृत्त के उदाहरण हैं। कर्क रेखा 23.5° उत्तरी अक्षांश है, मकर रेखा 23.5° दक्षिणी अक्षांश है, आर्कटिक रेखा 66° उत्तरी अक्षांश है, जबकि अंटार्कटिक रेखा 66° दक्षिणी अक्षांश है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर लेकर के आएंगे आपके लिए भूगोल के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते रहिए हमारी वीडियो और बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।